हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता। और ये जो हमारा लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूशन लेक्चर है। लास्ट टाइम हम कर रहे थे एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोण। उसी क्वेश्चन में पूछा गया था न्यूमेरिकल अपर्चर, तो आज हम न्यूमेरिकल अपर्चर की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्या होता है न्यूमेरिकल अपर्चर, साथ में इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? न्यूमेरिकल अपर्चर ये मेरिट है ऑप्टिकल फाइबर की, कि कोई ऑप्टिकल फाइबर कितनी लाइट गैदर कर सकता है। तो लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को हम न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। और ऑब्वियस से जितना बड़ा कोन होगा उतना ही ज्यादा वो लाइट गैदर कर सकता है। और कोन कितना, कोन का साइज किस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्सेप्टेंस एंगल कितना है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर सीधा सीधा हमें जो एक्सेप्टेंस एंगल है उसके साइन के बराबर होता है। द न्यूमेरिकल अपर्चर इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट कैन बी कलेक्टेड बाय ऑप्टिकल फाइबर विच इंडिकेट द साइज ऑफ कोन ऑफ द लाइट दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय फाइबर। लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एक्सेप्टेड बाय द फाइबर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। तो जितना ज्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर होगा मतलब उतना ही ज्यादा वो लाइट गैदर कर सकता है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या हो जाएगा? इक्वल टू साइन आई मैक्सिमम और इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपॉन N0। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि एक्सेप्टेंस एंगल निकालिए तो आई मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, यानी कि साइन इनवर्स लेना होता है इस टर्म का। अगर ये आए कि न्यूमेरिकल अपर्चर निकालना है तो मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है, या कह लीजिए आपको अगर एक्सेप्टेंस एंगल दिया है उसका साइन ले लीजिए तो वो न्यूमेरिकल अपर्चर हो जाता है। वेयर N1 N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग है, N0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लॉन्चिंग जोन का है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डेल से डिनोट करते हैं, और डेल क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस अपॉन कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस शोज द डिफरेंस बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग और कोर के रेशियो से। तो डेल इक्वल टू हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, या डेल को हम लिख सकते हैं N1 माइनस N2 अपॉन N1। अगर हम ये वैल्यू यूज करते हैं तो न्यूमेरिकल अपर्चर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है N1 अंडर रूट 2 डेल। ठीक है, डेल से न्यूमेरिकल अपर्चर के फॉर्मूले पे आइए। और जबकि आप ऑलरेडी न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू अभी पीछे ड्राइव करके आ चुके हैं N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो इन दो फॉर्मूले से इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 3 पर आना है आपको। ठीक है, चाहे तो उसको डायरेक्ट लिख लीजिए या ड्राइव करके देख लीजिए। वैसे ये ड्राइव करने के लिए नहीं आता, सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए आते हैं। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल अपर्चर का मैं फॉर्मूला, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल लेंगे N2 अपॉन N1 की। यहाँ पर क्या करिए, N1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बाहर N1 आ रहा है ना, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस N2 अपॉन N1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल कैलकुलेट करके ले आइए। इक्वेशन ए बोल देती, इस इक्वेशन ए में N2 अपॉन N1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से कैलकुलेट करके देख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, डेल इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन N1। तो डेल इक्वल टू N1 अपॉन N1 माइनस N2 अपॉन N1, और यहां से ये हो गया डेल इक्वल टू 1 माइनस N2 अपॉन N1। ठीक है, यहाँ से अगर N2 अपॉन N1 देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस डेल। तो N2 अपॉन N1 की वैल्यू इक्वेशन ए में रख दीजिएगा और सॉल्व करिएगा, स्क्वायर करिएगा, और क्या करेंगे, डेल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट कर देंगे? क्योंकि डेल स्क्वायर क्या है, पहले तो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है,
और फिर उसको डिवाइड किया गया है कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है ये, तो जब हम उसको स्क्वायर करेंगे तो और स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा इक्वेशन 3 वाला। तो इक्वेशन 20 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए, स्क्वायर करिए, डेल स्क्वायर नेगलेक्ट करिए और देखिए इक्वेशन 3 मिल रहा होगा आपको। देखो कर भी रही हूँ, फ्रॉम एंड बी न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू n1 अंडर रूट 1 माइनस डेल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस डेल स्क्वायर माइनस 2 डेल, और जब यहाँ पे अंडर माइनस जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल अपर्चर हो जाएगा n1 अंडर रूट 2 डेल माइनस डेल स्क्वायर, फिर डेल स्क्वायर नेगलेक्ट कर देंगे तो एन न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू जो फॉर्मूला लिखा है इक्वेशन 3 वही आ जाएगा। तो कंडीशन फॉर प्रोपेगेशन क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल है एक्सटर्नल एंगल वो हमारा मैक्सिमम एंगल से कम होना चाहिए, आई मैक्सिमम से। अगर आई मैक्सिमम से कम है तो लाइट TIR करेगी, और अगर इसके इक्वल भी है तो लाइट तभी हमें आउटपुट में भी मिल जाएगी कोर क्लैडिंग इंटरफेस से निकलते हुए। ठीक है, तो अगर लेस देन के साथ साथ हम इक्वल टू का भी बना दें तो भी आउटपुट में हमें लाइट मिल जाएगी। ये क्वेश्चंस हैं, रुके अब जो है MCQs हैं इससे रिलेटेड वो डिस्कस कर लेते हैं, कल भी रह गई थी क्योंकि आज कल की और आज की दोनों कर लेते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।